स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब च ते मैं तुहाडे नाल प्रिंस तागरा। इस बुलेटिन का आगाज करांगे खास खबर दे नाल। पंजाब च बिजली मुद्दे ते सियासत सरगर्म हो गई है। विरोधी धिर लगातार पंजाब सरकार नूं सवालों के घेरे च लै रहियां ने। अज आम आदमी पार्टी के सूबा प्रधान भगवंत मान की अगुवाई च सिस्मा फार्म हाउस बार प्रदर्शन किया गया ते सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस ने आम वर्करां ते वाटर कैनन की वरतों भी की। आप सूबा प्रधान भगवंत मान ने विरोधी धिर आगू हरपाल चीमा हिरासत च लै लिया ते वर्करां दे विरोध तो बाद पुलिस वल्लों उन्हां नूं रिहा कर दिता गया। ते तस्वीरां चंडीगढ़ दियां ने जिथे आम आदमी पार्टी की पुलिस नाल झड़प की तस्वीर है। आम आदमी पार्टी वालों विरोध करते हैं तस्वीरां ते सिस्मा फार्म हाउस घेरन दियां तस्वीरां तुसीं देख रहे हो स्क्रीन ते, जो अज आम आदमी पार्टी वालों सवेर तो ही लैके सवेर तो शाम तक लगातार पंजाब सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया, जम के नारेबाजी की गई। एक जोरदार प्रदर्शन बिजली मुद्दे नूं लैके किया गया है। दस दिए कि बिजली संकट पंजाब दे विच आया होया है, जिसनों लैके पंजाब सरकार नूं लगातार विरोधी धिरां घेर दियां हुई नज़र आ रही ने। बीते दिन अकाली दल वालों प्रदर्शन किया गया सी ते अज आम आदमी पार्टी वालों सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दे फार्म हाउस सिस्मा वाले फार्म हाउस नूं घेरन दा ऐलान किया गया सी, जिस दे चलदे अज भारी गिणती विच आम आदमी पार्टी दे वर्कर चंडीगढ़ सिस्मा रोड से इकट्ठे हुए ते फार्म हाउस घेरन लई पहुंचे। बिजली मुद्दे ते सरकार दे खिलाफ आम आदमी पार्टी दा हल्ला बोलिया। इस बारे गल करदे विरोधी धिर दे नेता हरपाल चीमा ने कहा कि सरकार दे खिलाफ प्रदर्शन सफल रहा ते कैप्टन सरकार नूं वादे याद करवांदे कहा कि 2017 दीआं चोणां च कैप्टन ने कहा सी कि ओह अकाली दल दे किते बिजली ठेके खत्म कर सस्ती बिजली करनगे, पर अपने कार्यकाल च 14 वार रेट वधाए ने। हरपाल चीमा ने सीएम कैप्टन नूं वादे याद करवाए ने। ना 8 घंटे सप्लाई किसान नूं मिल रही आ, ना 24 घंटे घरां नूं सप्लाई मिल रही आ, बल्कि पंजाब विच सब तो महंगी बिजली खरीदण दे लई पंजाब दे लोक मजबूर हो रहे ने। 3 प्राइवेट कंपनियां दे नाल पुरानी अकाली दल बीजेपी सरकार ने समझौते किए सीगे, और 2017 दे विच जदों इलैक्शन हो रही सी कैप्टन साहब ने वादा किया सीगा कि मैं जदों सत्ता जेकर आऊँगा तो आके 3 एग्रीमेंट रद्द करूँगा और पंजाब दे लोकां नूं सस्ती बिजली देऊँगा। पर लेकिन अफसोस वह तो रद्द की करने सी, बिजली माफ़ी में तो नत्थ की पानी सी, बल्कि 14 बार रेट होर बधाते। सो आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों डट के खड़ी आ, पंजाब के लोगों के हरेक जायज़ मंगा संघर्ष करती रहेगी। चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम अपनी गूढ़ी नींद चो जागो, जेकर तुम गूढ़ी नींद ना त्यागी, जेकर तुम कुंभकारी नींद ना त्यागी, तो आम आदमी पार्टी इस तो भी बड़ा प्रोटेस्ट, इस तो भी बड़ा अंदोलन जोड़ा है पूरे पंजाब खड़ा कर। आम आदमी पार्टी के सह इंचार्ज राघव चड्ढा का कहना कि अकाली दल ने ते कांग्रेस ने सूबे के लोगों लुटिया है, 8 तो 10 घंटे बिजली देने दे वादे नू पूरा नहीं किया है, जबकि पंजाब सरप्लस सूबा मनिया जाता है। तो जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 24 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी। अकाली दल तो कांग्रेस ने 8 तो 10 घंटे की बिजली का वादा किया, अकाली दल तो कांग्रेस ने मिल के पंजाब नू लुटिया है। पंजाब में बिजली आती नहीं है और सिर्फ बिजली के मोटे बिल आते हैं। अकाली दल ने और कांग्रेस ने मिलकर पंजाब की जनता को इतना लूटा कि आज पंजाब जो एक इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस सूबा है, पावर सरप्लस सूबा है, उस सूबे में, उस राज्य में सबसे महंगी बिजली मिलती है पूरे देश में, और सबसे महंगी बिजली होने के बावजूद भी बिजली आती नहीं है। 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट हर जगह लगते हैं, हर ज़िले में लगते हैं, 23 के 23 ज़िलों में रोज़ाना 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो ना कैप्टन साहब ना अकाली दल बिजली की इस व्यवस्था को ठीक कर सकता है पंजाब में। सिर्फ अरविंद केजरीवाल साहब और उनकी आम आदमी पार्टी पंजाब में बिजली की व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। और केजरीवाल साहब की पहली गारंटी, केजरीवाल की पंजाब के लोगों के लिए पहली गारंटी जो है, उसमें साफ तौर पे ये गारंटी आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों को दी है कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब में 24 घंटे बिजली मिलेगी, पंजाब में 300 यूनिट बिजली हर महीने, यानी कि एक बिलिंग साइकिल में 600 यूनिट बिजली, 2 महीने की साइकिल है वहाँ, 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी हर परिवार को, फ्री, जिसमें आपको पैसा नहीं देना। और तीसरी चीज, जितने पुराने बिल हैं
जितने आउटस्टैंडिंग है एरियर्स हैं, जितना बकाया है बिजली का, देनदारियां लोगी, वो सारी माफ कर दी जाएंगी। ये अनाउंसमेंट, ये गारंटी, केजरीवाल की गारंटी पंजाब के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी ने अनाउंस करी। बिजली दे मुद्दे ने पंजाब दी सियासत च हलचल पैदा कर दी है। इस मुद्दे ते विरोधी धिर पंजाब सरकार नू लगातार घेर रही है। इस बारे गल करदिया श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर नेता चंदू माजरा ने कहा कि बिजली दी किल्लत पावर कौम दी वड्डी लापरवाही है। देखो अज पंजाब जिहड़ा सरप्लस पावर स्टेट होने के बावजूद भी बिजली की किल्लत विचों निकल रहा, इहदा वड्डा कारण यह है कि मिसमैनेजमेंट हुई आ सरकार की लापरवाही, कताही, नलैकी, नाकामी मैं कह सकदा कि बिजली के मसले के विच सरकार ने दिखाई आ। अदरवाइज तो नहीं, जिवें मैनेजमेंट ठीक होंदी, जदों सर्दियों के विच असीं हिल स्टेट्स नूं बिजली दिंदे आ ते गर्मियां दे विच पीक आवर दे विच असीं उन्हां तों वापस लैंदे आ, ते इह मैनेजमेंट लंबे समय तो चलती आ रही है। पर दुख इस गल दा भी इस बारी बिल्कुल ध्यान ही नहीं किया और ये अंदाजा ला लिया कि मानसून बहुत अच्छी रहेगी, अखबारों दी खबरां देख के ही कि अच्छी मानसून होनी है, बारिशां हो जाणियां, लोड़ ही नहीं पैणी बिजली की, बिजली खरीदियो नहीं। तो जदों हुण निर्विघन बिजली देण दा 8 घंटे का फैसला सी ते बिजली आई ना, फिर हत्थां पैरां दी पै गई। 15 दिनों बाद बिजली खरीदने का फैसला किया, जिहड़ा 500 करोड़ रुपए की हुण खरीदने का फैसला किया। फिर ना इन्हों को जेई ने, ना इन्हों को वर्क चार्ज ने, मतलब काम करने वाला है ही नहीं। इस बारी पहली बारी होया कि सरकार किसानों ने ट्रैक्टर से अपनी मशीनरी से खंभे ढोए, ट्रांसफार्मर ढोए, आप कढ़न तक जाना पिया किसानों। सो बिल पावरकॉम लै रहा, मतलब वड्डी ने लै कि तुसीं देखो भी पावरकॉम के चेयरमैन ने श्री वेणू प्रसाद जी, ये ठीक है, बड़ा अच्छा अफसर आ, पर उन्होंने महकमा एक्साइज का बहुत वड्डा दिता होया, तो हफ्ता ये एक दिन केवल वो पावरकॉम के लिए आते हैं। तो ऐसे तो रेगूलर जरूरत मोनीटरिंग की जी नहीं हुई, तो वह अच्छ खमैचा पंजाब उतना रहा। तो दलजीत चीमा अकाली दल के सीनियर लीडर दलजीत चीमा अज किसानों का विरोध का सामना करना पाया। इस मौके दलजीत चीमा ने कहा कि जेडे लोग किसान विरोध कर रहे ने वो राजनीति कर रहे ने, इस दे नाल ही केजरीवाल से भी उन्होंने बेदबी मामले लैके निशाना साध्या। इन्हों गंदियां आदतें पै गई, ये बदनाम कर रहे हैं किसान अंदोलन, इन्हों लोगों की जो योजे लोगों ठंड ना पाई गई तो ये किसानी का जो एड्डा वड्डा अंदोलन बेचारे किन्ने महीनों तो दिल्ली के बार्डर से बैठे आ तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत को इतने बैठे बैठे अग ला दी, ये अपनी गंदी राजनीति करे, राजनीति करनी है खुल के करो। मकसद ये है कि लोग ये प्रभाव देना चाहते हैं कि शायद किसानी जी अकाली दल का विरोध कर, क्योंकि गंदी राजनीति देश के केजरीवाल तो झूठा बंदा कोई नहीं हो सकता, उस तो पखंडी कोई लीडर नहीं हो सकता, उस तो जालसाज वड्डा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पिछली बार इन्हें नशियां का इशू बनाया, फिर बाद च माफिया मंगिया अदालत के एफीडेविट दे के लिखती पैड के उत्ते अपने, इसलिए इन्होंने लोगों की साजिश के नाल ही जोड़े आजसत्ता कब्जा करना चाहते, इन्हों का होर कोई धंधा नहीं है। देखो कुंवर विजय प्रताप उदाहरण है जीती जागती कि केजरीवाल का प्रोडक्ट से किमें उन्होंने कांग्रेस के नाल जोड़िया गया, कांग्रेस में भी वह फायदा दिता गया जी है बेदबियों के इशू के उत्ते, तो जदों सारी वो साजिश नंगी कर दी हाईकोर्ट ने उन्होंने अस्तीफा दे के भजना पिया, तो फिर हूँ लोगों को खुल के पता लगे सानू तो पता सी भी वह केजरीवाल का बंदा निकलिया, केजरीवाल की पार्टी शामिल हो। इन्हों गंदियां आदतें पै गई, ये बदनाम कर रहे हैं किसान अंदोलन, इन्हों लोगों की। हुण गल करते हैं पंजाब च बिजली संकट बारे, आखिर क्यों आया पंजाब च बिजली संकट। असल च पंजाब च बिजली संकट पंजाब दे इस वेले बिजली की जो खपत है वह 15,023 मैगावाट है, पंजाब च बिजली की पूर्ति 13,473 मैगावाट है, तो हर साल पंजाब च 7 से 10% डिमांड बढ़ रही है, तो पंजाब दे थर्मल प्लांटा की समर्था घटती जा रही है। तलवंडी साबो वाला थर्मल प्लांट खराब होया है, तो जिदे विचो 3,920 मैगावाट बिजली निजी प्लांटा दे सहारे है। पंजाब सरकार जबकि पंजाब सरकार 4.54 रुपए रुपए के हिसाब नाल बिजली खरीदी है।
बिजली संकट का साया हुण लुधियाणा दे इंडस्ट्री ते छा रहा है। पावर कट दे नाल लुधियाणा दे काम काज प्रभावित हो रहे हैं ते होजरी दे कारोबारियां दा कहना है कि डीजल दीआं वधदीआं कीमतां दे नाल जनरेटर भी नहीं चला पा रहे हैं। करोना की तीजी लहर का खतरा भी नाल मंडरा रहा है जिस नाल काम काज च होर मंदी आ रही है। पंजाब इस समय बिजली के संकट तो गुजर रहा है ते नाल ही तुहानू दस दिए कि इस समय जिहड़ा कि सरकारी आदेश भी दे दिए गए हैं कैप्टन सरकार वालों कि जिहड़ा कि 9 बजे तो लैके 2 बजे तक सिर्फ ही सरकारी दफ्तर खुल सकनगे ते उत्थे एसी जिहड़ी हैगी आ ओह एसी दी सुविधा भी जिहड़ी हैगी आ उत्थे उपलब्ध नहीं होवेगी ते नाल इहदे नाल तुहानू इह भी दस दिए कि इस दे विच इंडस्ट्री जिहड़ी है उह सब तो ज़्यादा पिसदी जा रही है क्योंकि इंडस्ट्री नू 72 घंटे का जिहड़ा कट रह गया अनाउंस कर दिता गया कैप्टन सरकार वालों कि 72 घंटे तक वो अपनी फैक्ट्रियां बंद रखेंगे उस तो बाद फैक्ट्री चलाएंगे तो ये जिहड़ा संकट हुण जिहड़ा हुण इंडस्ट्री का संकट जिहड़ा आया उन्हूं लैके इंडस्ट्री वाले की सोचते हैं साडे नाल इंडस्ट्री के नुमाइंदे साडे नाल मौजूद हैगे ने जी असीं उन्हां नाल गल करना चाहवांगे। सर इंडिया न्यूज़ से तुहाडा पहला स्वागत है भोगल साहब की सोचते इंडस्ट्री कितना गुजर रही है जी बिजली संकट। मैं अवतार सिंह भोगल अज की जो सिचुएशन पंजाब दे विच जिथे सरप्लस बिजली कहिंदे सीगे और पिछले जिहड़े 1 महीने तो अनशड्यूल कट ते कुछ ये कह के भी अज असीं जी मेंटेनेंस करनी है करके कट लाए जा रहे सीगे और कल जदों सवेरे जिहड़ा मैसेज आया आ वह पहला सानू मैसेज आया भी 2 बजे तो लैके 48 घंटे का साडा कट जिहड़ा है कर दिता गया तुसीं बिल्कुल कोई भी LS कनैक्शन वाले जां उस तो वड्डे जिहड़े फर्नेसां वाले आ किसी की कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी उस तो बाद हुण उहनूं 48 घंटे तो वधा के 72 घंटे कर दिता गया मतलब फैक्ट्रियां जिहड़ियां आ कल दीआं दुपहर दे 2 बजे दीआं बंद होईआं हुण जाके मंडे नूं चलणगीआं और तुसीं इह देखो भी एक पासे तां सरकार चाहुंदी आ वी सानूं रेवन्यू आवे एक पासे सरकार कहती है असी लॉकडाउन थोड़े वास्ते हौली हौली खोल रहे हैं तुसी काम करो और लॉकडाउन दे विच इन्हां ने इंडस्ट्री नू चलण नू दिता है भी तुसी इंडस्ट्री चला सकते हो प्रकॉशनस लैके ताकि सानू रेवन्यू आउंदा रह जावे और दूजे पासे अज जो सिचुएशन ये हो गई है भी सानू एकदम ही एडा वड्डा कट दे दिता गया आ भी टोटल प्रोडक्शन ही सारी कंपनियां दी बंद हो गई है। सरकार नूं जद पता है कि एक पैडी लगनी आ असी अपना सिस्टम बनाईए पहली सब तो वड्डी जिहड़ी एक समस्या पंजाब दी आ ना तां उह अकाली सरकार ना साडी इह पंजाब दी हुण दी सरकार जिहड़ी कांग्रेस दी हैगी आ ते ना ही साडी सेंटर सरकार इहदे ते कोई एक्शन लै रही जदों कि पता है पंजाब दे विच पाणी डे बाई डे इन्ना थल्ले चला गया हैगा तो क्यों नहीं बैन लगा दिता जाता भी तुसी इत्थे जिहड़ा पैडी नहीं बीज सकते जिहड़े कोई एरियाज उदां दे हैगे जिथे पानी सरप्लस हैगा जां कुछ हैगा उत्थे पैडी लाई जावे इंडस्ट्री वास्ते साडे लई जे ग्रीन जोन रैड जोन ओरेंज जोन ते बन सकदे आ भी इस एरिया दे विच तुसी बिल्कुल भी कोई इदां दी पोल्यूशन वाली फैक्ट्री नहीं ला सकते इस एरिए तुसी आ नहीं कर सकते इत्थे ये नहीं कर सकते ते जद थानू एड्डा वड्डा पानी दे क्राइसिस दा पता है ते तुसी उत्थे पानी दे वास्ते पैडी क्यों नहीं बंद कराउंदे ओह पानी कढ़न वास्ते एड्डियां मोटरां जिहड़े 10-10 हाउस पावर दी 15-15 हाउस पावर दी उहनां ने मोटरां लाईआं ही आ और ओह पानी वेस्ट कर रहे आ बिजली वेस्ट कर रहे आ और एक पैसे दा सरकार नूं रेवन्यू नहीं आ रहा उस तों ये जिस तरह कि इन्हां ने दस्सिया है कि जिहड़ी फैक्ट्रियां जिहड़ी अपने बंद करन दे उत्ते जिहड़े हैगे मजबूर हो जाणगे ते हुण आने वाला समय दस्सेगा कि बिजली संकट तों पंजाब कद उभरेगा। लुधियाणा तों अभिषेक बैल दे नाल अमनदीप खैरा इंडिया न्यूज़ पंजाब। भयानक गर्मी दे मौसम च बिजली दे कट्टां तों आम जनता परेशान है। बिजली विभाग वड्डे बिजली दे बिल भेज के जबरन वसूली कर अपना सरकारी खजाना भर रहा है। बिल ना भरन दे कनैक्शन भी कट गरीब जनता नूं परेशान किया जा रहा है। दूजे हथ कपूरथला दे सरकारी विभागां च करोड़ां दे बिल बकाया है जो कांग्रेस सरकार दे सवाल खड़े कर रहे ने। बहुत ज़्यादा लग रहा जी, दुकानदारी भी करनी औखी हुई है। दिन की तो दुकानदारी हैगी, रात नूं घर जाके भी जे सुख दा साह लैणा वह भी नहीं लै सकदा। बत्ती तो इन्ने ज़्यादा परेशान आ, मेरी यही डिमांड आ, पिछले 3 दिन तो ज़्यादा बत्ती खराब कर रही है। सरकार को यही मांग करांगे कि जल्द तो जल्द इनू ठीक किया जाए। कमी है जी, बिजली महकमे को बंदियां दी कमी है, जिस हिसाब नाल वो रिपेयर नहीं कर रहे। गर्मी बहुत पै रही है, फाल्ट पैंदे पैंदे, मेरी यही मांग है कि बंदे बधाओ, जिहड़ी फाल्ट पवे वो फाल्ट नू खत्म किया जा सके।
गल ये आ भी केजरीवाल हाले तो बत्ती बिजली की गल करता पाया वा, उन्हें तो बहुत ड्रामे करने हैं और झूठ का पलंदा बनता वा। झूठ के पलंदे के नाल ये भी गल कह गया भी जिहड़ा बंदा 300 यूनिट मैं माफ करूँगा, 2 महीने के 600 यूनिट हो गई, तो जिहड़े बंदे का 1 भी यूनिट उपर बढ़ गया उन्हूं बिजली का चार्ज देना पऊगा। इस करके ये जिहड़े ना साडे लोग गरीब तबका लो एससी लोग आ जां दूसरे लोग आ इन्हां नूं केजरीवाल वाला बेकू। अमृतसर च नवजोत सिंह सिद्धू दे घर दा 9 महीने तो बिजली दा बिल बकाया, जिस नूं लैके सियासी पार्टियां लगातार नवजोत सिंह सिद्धू ते टिप्पणी कर रही ने, जिस ते नवजोत कौर सिद्धू ने जम के भड़ास कढ़ी है ते बिल दी बकाया रकम नूं लैके अपनी गल रखी है। सर्दियां गर्मियां च बराबर बिल कि हर सारी उम्र जिंदगी च अपने बिल ही भरदे आए हैं, तो वह बंदे नूं क्वेश्चन कर रहे हैं जिन्हें अपनी जेबां चो लखां रुपया करोड़ां रुपया लोकां नूं देता लोकां दे बिल भरन लई जिहड़े बंदे नूं जरूरत हुई जदों उस बंदे कोल पैसा सी। अज ओह पंजाब करके अपना सारा कारोबार बंद करके बैठा है, तो जदों उहदे कोल पैसा हुंदा सीगा ते जिथे जिथे जिहनूं लोड़ पई उहने अपने ईमानदारी की कमाई तो चेक कट के दिते। तूं दस तो जे दवानी भी अपनी जेब चो कदे किसी नूं रुपया के बिल कढ लो जिहड़े तुसीं सरकार दे खाते तो खाधे हैं, तुसीं तां प्रोग्राम करदे हो तां वी सरकारी खाते चो करदे हो, ते असीं तां कदे सरकारी पैसा नहीं मंगिया। ते इह जिहड़ी अपील पाई सी ना ऑलरेडी क्लीयर हो गई है एंड वो मन भी गए जिहड़े बिजली बोर्ड वाले हैं, ते जिहड़ा रेस्ट ऑफ द पेमेंट तुसीं करनी है, असीं कहिंदे बिल अज तक नहीं भरिया, ते तूं उहदी परवाह ना कर, तूं इह परवाह कर तूं अपनी जेब चो कदे करोना वालियां नूं दवानी दित्ती। साडे कोल तां जिन्ना पैसा सी असीं अपनी बैंकां दे पैसे चो कढ़ा के 8 महीने का राशन करोना च घरां च पहुंचाया लोकां दे, तूं दस तूं की कीता? कोई बंदा है जिहड़ा अपना 30 करोड़ की नौकरी साल की छड्ड के इत्थे बैठा है पंजाब के बंदियां दे पिछे, है ना? ते तूं दवानी नहीं छड्डी जांदी, तूं तो सारा पंजाब लुट के खा गया, तेन गल्लां आंदियां ने। सो अपनी औकात च रह ते बोलन तो पहला सोच के बोलिया कर। सुखबीर बादल पंजाब सरकार नूं नजायज माइनिंग दे मामले च लगातार घेरदे आ रहे ने। सुखबीर बादल ने मुकेरियां च अज नजायज माइनिंग वाली थां ते रेड कीती, इस दौरान उन्हां नूं क्या मैनूं परचियां तो डर नहीं लगता पंजाब सरकार ते सवाल चुकदे आ उन्हां कहा कि सरकार हुण वी कहेगी कि यह लीगल माइनिंग चल रही सी। ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਢੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਲਾਭਸਰ, ਲਾਭਸਰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੇਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਰੇਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਲਾਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪਾਈ ਰੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਫੁੱਟ ਪੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 12-130-40-50 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪੜਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਘੁੰਮਦੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਫਸੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਪਾ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਧੂੜ ਘੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਾੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ 130-40-50 ਫੁੱਟ ਤੱਕ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮੂਣਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਝ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਮਥੈਲੇ ਵਰ ਵਰ ਕਹਿ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਘੱਗਰ ਕਾ ਬੰਨਾ ਟੁੱਟਣ ਕਾ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਬੰਨ ਬਈ ਪਹਿਲਾ ਬੰਨੀ ਆ ਛੇੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, 3 ਫਾਲਟੀ ਔਰ 4 ਫਾਲਟੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ BDP ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
दूसरी गल जी है ने ड्रेनेज डिपार्टमेंट के वर्क्स न रिलेटिड हैगी है जिमें चो सिस्टम का हैगा अपलिफ्ट सिस्टम करना मोटर लिए करना हैगा तहत एसटीमेट्स बन के चीफ इंजीनियर साहब को जा चुके हैं असी थ्रू डीसी साहब प्रिंसिपल सैकटरी साहब नाल भी गल कर चुके हाँ जल्दी उम्मीद है कि एसटीमेट्स पास होकर भी काम शुरू हो जाएगा। करोना वायरस के चलते पिछले 1.5 साल तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पै रही है जिस कारण बच्चों को कंप्यूटर एंड्रॉयड मोबाइल फोन की भी ऑनलाइन स्टडी करनी जरूरी है पर स्कूल पढ़ने वाले कई बच्चों दिक्कतों का सामना करना पै रहा है क्योंकि सरकारी स्कूलों बच्चे पढ़ने आते हैं उन्होंने काफ़ी बच्चों के माता पिता मजदूरी कर छोटी मोटी नौकरी करके अपना परिवार का ढिड पालते हैं कितने ना कितने पढ़ाई तो वांझे रह रहे हैं बच्चे। हमारे स्कूल में कोविड के चलते मैं बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं डेली बेसिस पे टीचर्स जूम पे क्लासेस लगा रहे हैं तो बहुत अच्छे ढंग से वो बच्चे भी अटेंड कर रहे हैं ठीक है। इसके साथ में कुछ बच्चों का हो सकता है कि मोबाइल की समस्या हो या नेट पैक की कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से हमने पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये भी फैसला किया है कि जलंधर दूरदर्शन में हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसका एक दिन पहले हमारे पास टाइम टेबल आ जाता है जो कि हम लोग बच्चों को व्हाट्सएप पे उनको डिलीवर कर देते हैं ताकि वो क्लास जो है उसी समय अपनी क्लासेस है जो अटेंड कर सके ताकि उनकी कोई भी एजुकेशन का किसी भी तरह का कोई भी लॉस ना हो सके। सर ऑनलाइन क्लासेस जब से हो रही है पापा काम पे चले जाते हैं फिर रात को आते फिर हम पूरी तरह पढ़ नहीं पाते हैं फिर रात को नाइट ड्यूटी करते हैं तो हम चाहते हैं सरकार हमें एक फ़ोन दे दे उसमें हम कुछ काम कर सकते बड़े होकर कुछ बन सके यही दिक्कत आ रही। प्यार करना तो आसान है पर हर किसी का प्यार परवान चढ़े ये जरूरी नहीं खास करके जे प्यार गुआंढी देश पाकिस्तान विच होया होवे पर कहिंदे ने जिस चीज़ नू शिद्दत नाल पाउण लई लगा लग जावो तो उसनू पाउण विच कुदरत भी तुहाडा साथ देण विच जुट जांदी है। कुछ इस तरह ही होया गुरदासपुर के कस्बा श्री हरगोबिंदपुर के रहने वाले अमित शर्मा के नाल सोशल मीडिया के जरिए अमित शर्मा का पाकिस्तान विच प्यार परवान चढ़ रहा है ते हुण अमित शर्मा का विआह पाकिस्तान विच उन्होंने प्यार नाल अगस्त विच होना मुमकिन होया है। भारत की सरकार वालों पाकिस्तान अंबेसी नूं ईमेल के जरिए सूचित किया गया है कि पाकिस्तान विच रहने वाली सुमन शर्मा अते उसके परिवार को भारतीय वीजे की प्रवानगी दे दी जाए। साड़ी टीम नाल गलबात करते हुए अमित शर्मा ने दसिया कि करीब 2.5 साल पहला वह फेसबुक पर कुछ पेज देख रहा है अते इस दौरान उसका ध्यान पाकिस्तान हिंदू कम्यूनिटी पेज से पिया उस पेज के उत्ते जन्माष्टमी के फोटोज पाए सन इस दौरान उसने कुछ फोटोज उत्ते कमेंट किए। मैं पाकिस्तान जो लड़की इस टाइम मेरी वाइफ बन जा रही है उसना मेरी पहली मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई। दरअसल मैं आज तो 2.5 साल पहले जन्माष्टमी के जो अपना हिंदू त्यौहार का सैलीब्रेट करते हैं सेम इस तरह कराची भी कर रहे होंगे उन्होंने फेसबुक पर कुछ फोटो अपडेट की हिंदू कम्यूनिटी ने उस फोटो मैं लाइक किया तो लाइक के बीच बहुत सारे हिंदू लोग सी कुछ यंग लड़के कुछ यंग कुड़िया कुछ बुजुर्ग भी ही तो काफ़ी लोगों जमें संपर्क में उदों कि किस तरह सैलीब्रेट करते हैं तो किसी ने इन्ना इंट्रस्ट नहीं दिता तो सुमन ने थोड़ा इंट्रस्ट दिता डाकूमेंट दसे आह डाकूमेंट लगने आह गलबात करनी है उन्होंने गलों बातों के आधार से आप कहसार आप चलते रहे तो उन्होंने आप लड़की के परिवार को सुमन के परिवार को आप वीजा ले स्पोंसरशिप किया जो स्पोंसरशिप कागज़ वगैरह सब कुछ भरे उन्होंने आप मैं खास करके पुलिस विभाग के सी आई डी विभाग अते होर संबंधित विभागों का धन्यवाद करदा कि जिन्होंने मैनू मेरे बच्चे नूं उत्साहित करन लई कोई भी दिक्कत नहीं आउंदी। ते अज तरन तारण विजिलेंस ब्यूरो वालों पिंड रटोल के पंचायत सैकटरी सुशील कुमार नूं पंचायती मता पाउण दे बदले 5,000 रुपए की रिश्वत लैंदिया रंगे हत्थी काबू करन विच सफलता प्राप्त की है। विजिलेंस ब्यूरो तरन तारण डी एस पी हरजिंदर सिंह की अगवाई हेठ विजिलेंस की टीम वालों सुशील कुमार खिलाफ़ भ्रिष्टाचार रोकू एक्ट तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी पंचायत का मता पाउणा सीगा उहदे बारे इन्हें 10,000 रुपए मंगया सीगा पंज कल दिता सी वीडियो रिकॉर्डिंग करके 5,000 रुपया अज जो डिप्टी साहब के सामने इन्होंने बरामद किया जी। ਟੋਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ
ये तो जी तुम ब्लाक जाके पुछो उसको सारा वीडियो साहब तो लैके सारा अमला ही। फिलहाल इस बुलेटिन में इन्हें तमाम खबरों लिए जुड़े रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब के नाल।